आज जो हम आपसे बात करेंगे वो बात करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेट जो होता है उसके दो पोल होते हैं, जैसे ये हमारे पास एक मैग्नेट है तो इसके दो पोल हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। मैग्नेट अगल बगल रखे आयरन के टुकड़ों को, आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करता है और दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट और रिपेल भी करता है। एक चीज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो क्या होती है? अगर इसके आसपास, इस मैग्नेट के आसपास हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी हो तो हम क्या करें कि एक नॉर्थ पोल रखकर देखें। क्या रखकर देखें? नॉर्थ पोल। इसके आसपास हम एक नॉर्थ पोल रखें और वो नॉर्थ पोल जिस तरफ भागने लगे, जिस तरफ जाने लगे, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या करें, इसके आसपास एक नॉर्थ पोल रख लें और नॉर्थ पोल जिस तरफ भागे वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे यहां पे पता लगाना है मैग्नेटिक फील्ड कहां है, तो यहां पे एक नॉर्थ पोल रख लिया। अब ये नॉर्थ इसको रिपेल करेगा तो ये इधर भागा। यहां पे एक नॉर्थ पोल रखा, इसे साउथ अट्रैक्ट कर लेगा तो ये इधर भागा। यहां पे एक नॉर्थ पोल रखा, नॉर्थ को नॉर्थ रिपेल करेगा तो ये इधर भागा। यहां एक नॉर्थ पोल रखा, इसने रिपेल किया, इसने अट्रैक्ट किया, इधर भागा। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगी, नॉर्थ से बाहर निकलती हुई और साउथ की तरफ अंदर जाती हुई। कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है तो उस जगह पे अपने दिमाग में इमेजिन करो कि उस जगह पर नॉर्थ पोल रखें और वो नॉर्थ पोल जिधर भागे वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। जानना बहुत जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझने के लिए। जैसे यहां पर हम एक नॉर्थ पोल रखें तो ये नॉर्थ पोल इधर ऊपर की तरफ भागेगा और यहां पे नॉर्थ पोल रखें तो ये साउथ की तरफ भागेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है, नॉर्थ से बाहर निकलती है और कहां जाती है? साउथ में। नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है मैग्नेट के बाहर। पर मैग्नेट के अंदर ये फील्ड साउथ से नॉर्थ जाने लगती है, ऐसे साउथ से नॉर्थ जुड़ जाती है। तो बाहर के लिए याद रखो कि कहीं पे भी नॉर्थ पोल रख लेंगे, जिधर भागेगा उधर लाइन बना देंगे और अंदर उस लाइन को कंप्लीट कर देंगे, सीधा जोड़ देंगे। तो ऐसे बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ऐसा नॉर्थ पोल हमको नेचर में मिलता तो नहीं है भाई, मैग्नेट कभी भी सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करता, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये नॉर्थ पोल कहां से आया, कैसे लाए, कैसे बनाएगी? तो इसको बनाने के लिए हम एक कंपस लेंगे। कंपस एक डिवाइस है जिसमें एक मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है? क्या लगा है? एक मैग्नेट लगा है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, और इसको हम शीशे के अंदर बंद कर देते हैं, शीशे के अंदर बंद कर देते हैं ताकि हवा से इधर उधर डिफ्लेक्ट ना हो, भागे नहीं। अब इस कंपस को लेके यहां रखेंगे, तो यहां पर हमने इस कंपस को रखा और देखा कंपस का जो नॉर्थ है वो इधर भाग रहा है, तो कंपस का नॉर्थ जिधर भाग रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो नॉर्थ पोल के बारे में सोचना है। नॉर्थ पोल मिलेगा कहां? कंपस से। तो उस जगह पे कंपस रखेंगे, अगर कंपस ऐसे ऐसे घूमता हुआ किसी एक डायरेक्शन में आके रुक गया तो मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में है। जैसे यहां पर हमने कंपस रख दिया तो हमने देखा नॉर्थ पोल इस तरफ भागा कंपस का, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर किसी जगह पे कंपस रखने पे नॉर्थ साउथ इधर उधर भागता है, मतलब है कि वहां पे आसपास कोई मैग्नेट है, तभी तो भाग रहा है। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ से दूर भाग रहा होगा और साउथ की तरफ। तो कहीं पे अगर मैग्नेटिक कंपस रखने पर डिफ्लेक्ट कर जाए तो उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये बात कंफर्म हो गई है कि कहीं पे अगर कंपस रखा और कंपस ऐसे ऐसे भागा, मतलब क्या है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड, जिधर नॉर्थ भागा वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज तो मैग्नेट में हमने देखी है, पर सिंपल सी दिखने वाली ये चीज हमको कॉम्प्लेक्स तब लगी जब हमने एक वायर लिया, वायर में जा रहा है करंट और इस करंट के ऊपर या नीचे कंपस रखा, इस करंट कैरिंग वायर के नीचे की तरफ
हमने एक कंपास रखा, ठीक है, ये रहा कंपास, ये इसके नीचे रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, नॉर्थ और साउथ, ये हमने इस वायर के नीचे रखा और हमने देखा कि जब करंट दौड़ रहा है तो कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब वायर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड है, कंपास डिफ्लेक्ट ऐसे 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 नाच रहा है, नॉर्थ किसी एक तरफ जा रहा है, मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, पर यहां कोई मैग्नेट तो है नहीं। तो हेनरी ओरस्टेड ने यह चीज देखी, ये एक्सपेरिमेंट हेनरी ओरस्टेड ने किया 1800 में, और उन्होंने ये बात कंक्लूड कर दी कि करंट कैरिंग वायर इज अ मैग्नेट, करंट कैरिंग वायर अपने आप में एक मैग्नेट है, तभी तो उसके अगल बगल कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर किसी वायर में करंट है तो उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी। करंट कैरिंग वायर कैसे बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह, और मैग्नेट की वजह से कौन होती है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? कंपास से। कंपास का नॉर्थ पोल जिधर पॉइंट करे, जिस तरफ पॉइंट करे, जिस तरफ डिफ्लेक्ट हो, जिस तरफ दिखाए रास्ता, वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो एक तार जिसमें करंट जा रहा है उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड होती है। घर पे जो तार होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक के कवर चढ़े होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं है कि वायर जब नेकेड है बिना प्लास्टिक के कवर का है तभी होगी, नहीं नहीं, अगर करंट जा रहा है तो अगल बगल क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। करंट अपने अगल बगल क्या बनाते हुए चलता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ओरस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किए और देखा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ भाग रही है, यानी वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। तो उन्होंने ये तार लिया और करंट इस दौड़ा, और ये कंपास लिया, ठीक है, ये है साउथ, ये है नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ, और इसको उठा के वायर के पीछे रख दिया, ठीक है, यानी वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास, कंपास वायर के नीचे रख दिया और करंट ऐसे फ्लो हुआ। तो हमने देखा कंपास का जो नॉर्थ है वो इस तरफ भाग आया, कंपास इसके पीछे, नॉर्थ इस तरफ भागा, यानी कंपास का नॉर्थ इधर और कंपास का साउथ इधर, सीधा सीधा रखा था, इसको उठा के सीधा सीधा यहां रखा था, यहां नॉर्थ यहां साउथ ऐसा रखा था हमने इसके पीछे, पर ये डिफ्लेक्ट हो गया, जैसे ये वायर ऊपर कंपास नीचे, यहां साउथ यहां नॉर्थ, यहां साउथ यहां नॉर्थ, और करंट ऐसे गया। तो नॉर्थ पोल इस तरफ भागा, इस तरफ को, यानी नॉर्थ पोल अगर हम करंट के डायरेक्शन देखें तो लेफ्ट हैंड पे भागा। तो हमने बोला कि बच्चों ये नॉर्थ ये साउथ, तो ये कौन से डायरेक्शन है? अगर ये नॉर्थ है बच्चों, ये साउथ है बच्चों, तो राइट साइड में हमेशा ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। अगर ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो राइट में ईस्ट लेफ्ट में वेस्ट, ऐसा हमने पढ़ रखा। तो अगर हम यहां से देखें ये साउथ ये नॉर्थ, तो कंपास किस तरफ भागा है? देखिए राइट में क्या होगा? ईस्ट, लेफ्ट में क्या होगा? वेस्ट, साउथ नॉर्थ ईस्ट। तो वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोस साउथ टू नॉर्थ, है ना? अगर कंपास के हिसाब से देखें तो करंट कहां से कहां जा रहा है? साउथ से नॉर्थ। उस कंडीशन में जो नॉर्थ पोल है वो किधर पॉइंट करता है? वो पॉइंट करता है किधर? वेस्ट में। इतनी बात याद रखनी है, बस छोटी सी बात है कि तार में करंट जा रहा है, उसके नीचे कंपास है, कंपास को ध्यान से देखा तो कंपास का साउथ पीछे है, नॉर्थ आगे है, यानी करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है, और जैसे ही करंट ऑन किया वैसे ही नॉर्थ ऐसे भाग गया, ये नॉर्थ ये साउथ, तो ये ईस्ट ये वेस्ट, कंपास भागा वेस्ट में। सो व्हेन वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास एंड करंट फ्लोस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ पोल पॉइंट्स या डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, यानी
पहली बार एक्सपेरिमेंट जो किया उन्होंने कहा साउथ से नॉर्थ करंट फैलाते हैं, कहां से कहां ले जाते हैं, साउथ से नॉर्थ करंट लेके गए, एंड वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास, वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास, वायर ऊपर है कंपास नीचे, देन नॉर्थ पोल पॉइंट्स वेस्ट, नॉर्थ पोल पॉइंट्स वेस्ट, और एक रूल बनाया इन्होंने स्नो, रूल का नाम दिया स्नो, इफ अ कंपास इज प्लेस्ड बिलो द वायर या वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास, करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन द नॉर्थ पोल, देन द नॉर्थ पोल पॉइंट्स वेस्ट, नॉर्थ पोल किधर पॉइंट किया, वेस्ट में पॉइंट किया, तो ये इन्होंने एक रूल बनाया जिसको हमने बोला स्नो रूल, व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कंपास के हिसाब से साउथ टू नॉर्थ, एंड वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास, वायर ऊपर है कंपास नीचे है, तो कंपास का नॉर्थ डिफ्लेक्ट करेगा वेस्ट में। फिर उन्होंने कहा कि हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे अलग अलग करंट का डायरेक्शन लेकर और कंपास को वायर के ऊपर लाकर, जैसे ही हमने करंट का डायरेक्शन पलटा, जैसे ही करंट का डायरेक्शन पलटा, नॉर्थ ईस्ट में भाग गया, मतलब जब करंट का डायरेक्शन एस एन ओ डब्ल्यू की जगह हमने लिखा एन एस, करंट आया ऐसे नॉर्थ से साउथ, और अभी भी वायर डिस्प्लेस्ड, अभी भी वायर डिस्प्लेस्ड ओवर द कंपास, तब नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट किया ईस्ट में, किधर डिफ्लेक्ट किया, ईस्ट, ये कोई रूल नहीं, रूल ये याद रखना है, इसमें इधर एक चेंज हुआ तो वेस्ट से ईस्ट बन गया, ऐसे याद रखेंगे कि साउथ से नॉर्थ की जगह नॉर्थ से साउथ, तो यहां पे एक चेंज, व्हेन वायर इज करंट इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, करंट ऐसे जा रहा है नॉर्थ से साउथ, ऐसे जा रहा है करंट, कंपास ऐसे रखा है इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट किया ईस्ट की तरफ, एक्सपेरिमेंट रिपीट किया इन्होंने, ओवर की जगह बिलो किया, मतलब वायर इज प्लेस्ड बिलो द कंपास, कंपास ऊपर रख दिया वायर नीचे, कहानी चेंज हो गई, पूरी कहानी चेंज हो गई, जब करंट गया तब साउथ से नॉर्थ, एंड वायर इज प्लेस्ड बिलो, वायर इज प्लेस्ड बिलो द कंपास, तो यहां से देखिए एक चेंज हो गया, एक चेंज होने से डिफ्लेक्शन चेंज, वेस्ट में नहीं किस में डिफ्लेक्ट किया, ईस्ट में, कौन, कंपास, एक चेंज किया ये सेम है, एक चेंज किया ये चेंज हो गया, ऊपर देखिए ओवर वाला पॉइंट सेम है, एक चेंज किया और ये चेंज, अगर हम एक कोई भी फैक्टर स्नो से चेंज करते हैं तो डिफ्लेक्शन चेंज हो जाता है, कोई भी एक फैक्टर, ओवर की जगह बिलो किया तो भी वेस्ट हो गया, साउथ नॉर्थ की जगह नॉर्थ साउथ किया तो ईस्ट हो गया, ठीक है, मतलब चेंज हो गया तो भी ईस्ट और तो भी स्नो, याद रखना है, मान लीजिए हम ऐसा बोले कि करंट नॉर्थ से साउथ गया, वायर इज प्लेस्ड बिलो, करंट नॉर्थ से साउथ जा रहा, वायर इज प्लेस्ड बिलो द कंपास, तो नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये याद रखना बस, एस एन ओ डब्ल्यू, एक चेंज दो चेंज, दो चेंज पे रहेगा सेम, यानी अभी भी किधर डिफ्लेक्ट करेगा, वेस्ट में, किधर डिफ्लेक्ट करेगा, वेस्ट में, बस ये याद रखना है, स्नो, स्नो से एक चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा डिफ्लेक्शन वेस्ट से ईस्ट, और स्नो से दो चेंज करोगे तो डिफ्लेक्शन विल रिमेन सेम, जैसे हमने बोला करंट इज ग्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वायर इज प्लेस्ड ओवर, करंट इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वायर इज प्लेस्ड ओवर, डायरेक्शन निकालना है, स्नो लिख लिया, स्नो से कितना चेंज हुआ, एक, एक चेंज हुआ, तो वेस्ट की जगह डिफ्लेक्शन नॉर्थ पोल का ईस्ट, ठीक, तो ये स्नो रूल हो गया, स्नो रूल से दो चेंज करोगे, करंट साउथ से नॉर्थ से साउथ कर लो और वायर को प्लेस्ड बिलो कर लो तो वेस्ट से ईस्ट हो जाएगा, और अगर एक चेंज करोगे कि करंट अभी भी कहां से कहां जा रहा, साउथ से नॉर्थ, वायर इज प्लेस बिलो, तो चेंज हो जाएगा, दो चेंज पे चेंज नहीं होगा, एक चेंज पे चेंज हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका था समझने का भी, याद भी करने का, इसके लिए एक बेटर रूल बनाया गया, एक आसान नियम, और आसान नियम क्या है, आसान नियम है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, बहुत ही आसान है, इन्होंने कहा अपना राइट हैंड खोलिए और अपने थंब को पॉइंट करिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को पॉइंट कर लीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और बाकी फिंगर्स खोल के रखिए और अपनी फिंगर्स को कर्ल करिए, फिंगर्स को कर्ल करिए, कर्ल करिए मतलब मुट्ठी बनाइए,
करंट की तरफ थंब रखिए, उसके बाद मुट्ठी बनाइए। अब जैसे जैसे फिंगर कर्ल होगी, डायरेक्शन इन विच फिंगर्स कर्ल, वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। करंट के डायरेक्शन में थंब को रख लेंगे और ऐसे हाथ को घुमाएंगे, मुट्ठी बंद करनी है, मुट्ठी बंद करनी है, ऐसे मुट्ठी बंद करनी है, करंट डायरेक्शन थंब को रख के मुट्ठी बंद करेंगे और जिधर 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 जैसे जैसे उंगली जाएगी वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। किसका डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड का। मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि अगर नॉर्थ पोल को रखें तो उस तरफ भागेगा जिस तरफ ये डायरेक्शन। जैसे हम यहां पे एक तार ले लेते हैं ऐसे और इसमें करंट जा रहा है यू आई, हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो आप करंट के डायरेक्शन में अपना थंब रख लीजिए ऐसे राइट हैंड का और फिंगर्स को कर्ल करिए। तो ऐसे मेरी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, ऐसे मेरी फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही है, ये पूरा सर्कल बन रही है। इसके अगल बगल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके आसपास वो ऐसी होगी जिस डायरेक्शन में फिंगर्स बंद हो रही है। यहां से देखिए फिंगर्स नीचे जा रही थी और यहां से फिंगर्स बाहर आ रही थी, ऐसे अंदर जा रही थी और बाहर, यहां से अंदर जा रही है, देखिए ये थंब रखा अंदर जा रही और यहां से निकलती हुई बाहर, वायर के इस तरफ से बाहर आ रही और इस तरफ से अंदर जा रही, यहां से बाहर आई यहां से अंदर, ऐसे 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 ऐसे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वायर के अगल बगल सर्कुलर शेप में होती है, ऐसे सर्कुलर शेप, गोल 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 गोल। जैसे ये तार जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? ये करंट जा रहा, करंट ऐसे जा रहा, यहां पे थंब रखा, फिंगर्स को ऐसे घुमाया, तो फिंगर्स जैसे जैसे घूम रही हैं ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे ऐसे घूम रही, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रही, यहां पे नीचे जा रही, यहां पे आपके सामने आ रही, यहां ऊपर जा रही, यहां पे पीछे जा रही और यहां पे नीचे आ रही, ये ऐसे। थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड देन मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन जिसमें अपनी फिंगर कर लो। ये राइट हैंड थंब रूल था, बड़ा आसान था। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग क्या हम काम कर सकते हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है तो क्या हम डिफ्लेक्शन बता सकते हैं? बता सकते हैं नॉर्थ पोल किधर जा रहा है। फिर से सुन लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ही होता है कि जिधर नॉर्थ पोल जाए। तो मान लीजिए हमारा केस है वही स्नो वाला, देखते हैं क्या स्नो वाला केस यहां से बन सकता है। करंट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपस, ओवर द कंपस, तो नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट हुआ? वेस्ट। नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट हुआ? वेस्ट। देखते हैं, ये तार है, कंपस नीचे रखा है, पीछे तरफ कंपस का साउथ है, यहां पे नॉर्थ है, ये साउथ ये नॉर्थ, करंट वायर में ऐसे जा रहा मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ, एंड वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपस। यहां पे हाथ रखेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, अब स्नो रूल नहीं, ये थंब रखा करंट के डायरेक्शन में और ये फिंगर्स को घुमाया, एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब रखा ऐसे घुमाया, देखिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ये बन रही मैग्नेटिक फील्ड। अब नीचे ध्यान से देखिए, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ ये नॉर्थ, ये साउथ ये नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे देखिए ऐसे बाहर भाग रही, तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड होती है उधर नॉर्थ भागता है, यहां से नॉर्थ ऐसे भागा, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो किधर भागा? वेस्ट में। करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, नीचे कंपास साउथ नॉर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे भाग रही है यहां पे ऐसे, तो नॉर्थ पोल भी ऐसे भागेगा कि नहीं? इधर जिधर मैग्नेट, देखो ये यहां पे रखा हुआ है नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, एक खटाक इधर मारा कि नहीं? नॉर्थ पोल इधर गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किधर गया? वेस्ट में। तो राइट हैंड थंब रूल बड़ा इफेक्टिव मेथड था, स्नो मेथड को हटा के आया, जिससे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। राइट हैंड थंब रूल किसके लिए यूज करेंगे? टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। किसकी वजह से? करंट की वजह से। किसकी वजह से? ड्यू टू करंट। करंट के अगल बगल कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है पता लगाना है तो स्नो रूल या तो राइट हैंड थंब रूल। जिधर थंब भागेगा उधर नॉर्थ पोल जाएगा और वो डिफ्लेक्शन होगा। तो चाहे स्नो रूल याद रखें चाहे स्नो में याद रखेंगे कि एक चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज कर दें, ये भी चेंज बिलो कर दें तो चेंज नहीं होगा, दो चेंज पे चेंज नहीं होगा, एक चेंज पे चेंज होगा, ठीक है। तो ये राइट हैंड थंब रूल था टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर।
अब इसको एक एक्सपेरिमेंट से देखा भी गया कि कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, सच में सर्कुलर है कि नहीं, है ना, रूल है तो उसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक तार लिया, उसमें करंट है, और इसको एक कार्डबोर्ड से पास कर लिया, ठीक है, ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड रखा, कार्डबोर्ड में यहाँ पे होल किया छोटा सा, करंट यहां से नीचे से आया और यहाँ ऊपर चला गया, ठीक है, ठीक है, ये ज्यादा करेंगे, ठीक है, ये किया हमने। ये कैसे करेंगे भाई, यहां से एक बैटरी जोड़ लेंगे, ये एक बैटरी जोड़ ली, इस बैटरी से करंट निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से आई, ये करंट जा रहा आई, यहां पर ऊपर जा रहा करंट आई, और यहां पर हमने इसके अगल बगल लोहे के कुछ छोटे छोटे टुकड़े रख दिए, आयरन फिलिंग्स रख दी, और देखा वो कैसे करें, यहां पे चेक किया कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये कार्डबोर्ड है, दिस इज अ कार्डबोर्ड दफ्ती, और आयरन फिलिंग रख दिया, देखा कैसी बन गई आयरन फिलिंग, तो आयरन फिलिंग ऐसे अरेंज हो गई इसके अगल बगल, बिल्कुल 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 यही तो हम सोच रहे थे, सर्कुलर सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो गई, सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग यहां पर थी, यहां पर एकदम भर गई, एकदम भरी हुई, यहां पर खूब ढेर सारे आयरन आ गए, दूर भी है थोड़े कम है, पर ये डायरेक्शन था सर्कुलर, कैसे हुआ, राइट हैंड थंब रूल, थंब को रखा करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को कल किया, फिंगर्स को कल किया, तो फिंगर्स देखो ए ऐसे पूरी सर्कुलर, तो इसके अगल बगल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे इधर ऐसे जा रही अंदर और इधर ऐसे आ रही बाहर की तरफ, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जिट हुआ करंट के रिंग। अच्छा, इसके बारे में सोचते सोचते हमने ये सोचा कि क्या ज्यादा और कम करंट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, हाँ सही था, ऐसा हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी ये कितनी स्ट्रांग होगी, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, ये कितनी स्ट्रांग होगी इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेंथ, क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मजबूती, ये कितनी स्ट्रांग होगी ये बात डिपेंड कर रही थी करंट, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, यानी उतनी ज्यादा नॉर्थ पोल पे फोर्स और उतना ज्यादा नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होगा, उतना भागेगा, जितना करंट उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ये बात साफ थी। तो हमने कहा कि अगर हमको करंट कैरिंग वायर की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, एक वायर के अगल बगल हमको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी है तो हम क्या बढ़ा दें, करंट, हम करंट बढ़ा दें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। एक चीज और देखिए हमने कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिवर्स कर दें, कैसे हम पलट दें, कैसे हम उल्टा कर दें, कैसे हम उल्टे डायरेक्शन दे दें, बहुत आसान है। ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड सोचिए कैसी होगी, थंब रखा, ये घुमाया ए ऐसी, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही और यहां से बाहर आ रही, सर्कुलर है, इधर ऐसे अंदर जाती हुई और इधर ऐसे यहां से बाहर आती हुई, फिर इधर फिर से अंदर, फिर बाहर अंदर, ठीक है। हमें इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स करना है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे है तो हम इसके अपोजिट बनाने की सोच रहे हैं, तो हमने क्या किया, करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर लिया, करंट को पलट दिया, पलट दिया करंट को, अब थंब रखा ऐसे, थंब किसके डायरेक्शन में, करंट के, ये नहीं कि ऐसे ऊपर, करंट के डायरेक्शन में, किस हाथ का, राइट हैंड का, राइट हैंड का, ये रखा उसको घुमा, अब देखिए यहां पे अंदर जा रही फिंगर्स और यहां पे बाहर आ रही, इस तरफ अंदर इस तरफ बाहर, मतलब इस बार इस तरफ अंदर और इस तरफ बाहर, मतलब अगर हम सर्कल बनाए तो इस तरफ बाहर आ रही और इस तरफ अंदर, फिर से थंब रख के देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही, अंदर और इधर बाहर, उसके अपोजिट हुआ कि नहीं, यहां इस तरफ अंदर जा रही थी, यहां इस तरफ बाहर, नहीं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो क्या बढ़ा दो, करंट बढ़ा दो, इतनी बातें हमें पता चल गई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। फिर किसी ने हमसे पूछा कि क्या वायर मैग्नेट है, हमने सोचा, सोचते सोचते हमने एक नए तरह का वायर सोच लिया, ये सोचा हमने सर्कुलर वायर या लूप करंट, ये कैसा करंट, ये चक्कर में हो, करंट घूम रहा हो, घूमता हुआ करंट, एक चक्कर में, ऐसा नहीं कि सीधा जा रहा है कहीं, स्ट्रेट वायर नहीं, अभी तक बात कर रहे थे
स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की। अब बात कर रहे हैं सर्कुलर वायर की, लूप वायर की। क्या होगा लूप वायर में, ये एक लूप लिया मैंने, ठीक है, और इसमें करंट दौड़ा दिया ऐसे, जी हाँ इसमें करंट है, ठीक है, कैसा करंट है इसमें, क्लॉकवाइज, घड़ी के डायरेक्शन में है कि नहीं, घड़ी ऐसी घूमती है ना, 12 बजे 3 बजे ऐसी घूमती है, तो क्लॉकवाइज करंट लिया हमने, ठीक है, सर्कुलर वायर लूप करंट, करंट लूप, ये करंट है, ठीक है। अब इस करंट की वजह से कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी हमने सोचा, क्या तरीका है पता लगाने का, वही तरीका है थंब वाला, थंब को करंट के डायरेक्शन में, तो थंब को रखा करंट के डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाना चाहिए यहां पे और इस तरफ बाहर आना चाहिए, यहां से देखा अंदर आना चाहिए, देखो अंदर जाना चाहिए और यहां से बाहर आना चाहिए, यहां रख के देखो अंदर जाना चाहिए और यहां से बाहर, यहां रख के देखो अंदर और बाहर, मतलब लूप के अंदर जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना चाहते हैं कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, तो हम देख रहे हैं ये अंदर जाती हुई, यहां पे थंब रखा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, क्रॉस क्या है, क्रॉस का मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अंदर जा रही है, प्लेन के अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है गोइंग इनसाइड प्लेन, एक ये है मैग्नेटिक फील्ड विच इज गोइंग इनसाइड प्लेन, देखो ना इसकी वजह से भी यहां अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर और उसकी वजह से भी अंदर, बाहर की तरफ नहीं बोलना, यहां तो इस तार की वजह से, इतने तार की वजह से, इतने तार की वजह से इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर साइड की थी ऐसे अंदर जा रही है ऐसे, जैसे ये कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रही है, ऊपर से देखें इसको पूरे, इस पूरे सीन को ऊपर से देखते हैं, करंट दौड़ा लेते हैं इसमें क्लॉकवाइज, इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, ये हमारी आंखें, ठीक है, कहां से देख रहे हैं इस बात पे बहुत चीजें डिपेंड करने वाली है, तो हम ऊपर से देख रहे हैं, तो करंट ऊपर से देखोगे तो क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज, हमने कहा इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, तो यहां पे हाथ रखा, अब ये देखो ये नीचे जा रही है, ये और जैसे मान लो यहां करंट ऐसे होगा और हमें इस जगह मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तार के डायरेक्शन में हाथ रखा, ये तार ऐसे है ना भाई, ये ऐसे, ये यहां पे हाथ रखा इधर, एक यहां पे हाथ रखा इधर, ए यहां पे हाथ रखें कैसे रखें, ए ये यहां पे आके इस जगह पे हाथ रखा तो इधर, मतलब इस सर्किल में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर घुसती हुई जा रही है, देखो यहां मैग्नेटिक फील्ड ए ऐसे अंदर गई और इधर से यहां से बाहर गई, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इस बार ऐसी, ठीक, इसमें ऐसे, हाँ, तो मतलब सर्कुलर वायर में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है और सर्किल के अंदर से चली जाती है, किधर से किधर जाती है, क्या होता है, कैसे होता है, ये भी समझना पड़ेगा, पर खैर अभी इतना समझ में आया कि हाँ सर्कुलर वायर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि उसके सेंटर से, जैसे ऐसे वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड, इसको पता लगाने का एक आसान तरीका भी है, बहुत आसान तरीका है, वो है कॉर्क स्क्रू रूल, इसको हम लोग यूज करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने में, वही रूल यहां पर लगाना, स्क्रू सबने देखा है घर पे, अपन ऐसे ऐसे घुमाते हैं, देखो जब भी स्क्रू को ऐसे घुमाओगे क्लॉकवाइज तो स्क्रू बंद होता जाएगा ऐसे और आगे चला जाएगा, और जब भी स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो पीछे आएगा, क्लॉकवाइज आगे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पीछे, क्लॉकवाइज आगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के अगेंस्ट पीछे, तो ये हमें याद रखना है बस। अब जिस सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां पे स्क्रू रखो, यहां पे स्क्रू लगा लो, स्क्रू घुमाओ करंट के डायरेक्शन में, स्क्रू को घुमाओ किस डायरेक्शन में, करंट, ये है करंट ऐसे है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाया अंदर, बन गई मैग्नेटिक फील्ड, बन गई अंदर जाती हुई, ये वाला केस देख लो, ये वायर है, ये करंट घूम रहा है ऐसे 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 ऐसे, यहां पे स्क्रू रखा करंट के डायरेक्शन में, इसको घुमाएंगे करंट ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्लॉकवाइज घुमा रहे, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो स्क्रू रख के घुमाना है,
जिधर स्क्रू घूम गया उधर मैग्नेटिक फील्ड आ गई। बड़ा आसान है, स्क्रू रखा है घुमाना, जिधर स्क्रू घूम गया उधर मैग्नेटिक। जैसे मैं आपसे अभी यहाँ पूछ लू, यहाँ पे करंट है और ये करंट मैंने ऐसे बना दिया, अब ये देखो ध्यान से, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉक वाइज है ना, घड़ी चलती है ऐसे ऐसे ऐसे, ये चल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे क्या करोगे, स्क्रू रख लोगे, स्क्रू 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 स्क्रू, और स्क्रू को घुमाओ इसके डायरेक्शन में इधर एंटी क्लॉकवाइज। जब ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू किधर आएगा, बाहर। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आती है आपकी तरफ, टूवर्ड्स आंसर, अंदर से बाहर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका हुआ सर्कुलर वायर में। फिर आया कि क्या सर्कुलर वायर मैग्नेट है, क्या लूप मैग्नेट है। बात वहीं आके रुकी है कि अगर तार से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, आज हमने देखा कि करंट दौड़ाने से क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इस लूप में हम करंट दौड़ा दें तो क्या ये करंट एक मैग्नेट बन जाएगा। सवाल ये है, इज इट अ मैग्नेट। अच्छा, मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसलिए मैग्नेट का नाम रखा गया है डाइपोल। दो पोल वाला, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दो पोल वाला डाइपोल। तो क्या करंट लूप, ये करंट लूप है ना, करंट लूप, करंट सर्कुलर वायर, क्या ये भी एक मैग्नेट का डाइपोल है, क्या ये भी एक डाइपोल है, ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये भी बनाता है, तो क्या वो डाइपोल है। हाँ हाँ, वो डाइपोल है बिल्कुल। और जिधर से देखने पर करंट क्लॉकवाइज लगे, जिस तरफ से करंट क्लॉकवाइज लगे, इधर से कैसा लग रहा है क्लॉकवाइज, वहां पे होता है साउथ पोल। जिधर से करंट देखने में कैसा लगे क्लॉकवाइज, उस तरफ कौन सा पोल, साउथ पोल। इसी तार को तुम पीछे से जाके देखो तो करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। हाँ हाँ हाँ, देखो ये मैं अपनी उंगलियां घुमा रहा हूं, तुम्हें दिख रही होंगी ये कैसी, मुझे दिख रही क्लॉकवाइज, तुम्हें दिख रही होगी एंटी क्लॉकवाइज। हमारा आपका डायरेक्शन हमेशा अपोजिट है ना, ये वायर पीछे में आ गया, इस वायर के मैं पीछे चला जाऊं, जैसे इसके पीछे चला गया, देखो इसको वायर को उठा के मैंने ऐसे ले आया, अब देख मेरे लिए करंट कैसा है, नीचे वाला करंट मेरे लिए ऐसे, ऊपर वाला ऐसे, ये मेरे लिए कैसा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। जो जिधर से करंट घूमे क्लॉकवाइज उधर साउथ पोल, जिधर से घूमे क्लॉकवाइज उधर साउथ पोल, जिधर से एंटी क्लॉकवाइज उधर नॉर्थ पोल। तो हाँ, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल क्या होता है, मैग्नेट डाइपोल होता है, बिल्कुल होता है। जिस तरफ से करंट क्लॉकवाइज दिखता है उधर साउथ पोल, जिधर से एंटी क्लॉकवाइज उधर नॉर्थ पोल। जैसे यह मैं एक तार ले लूं, इसमें करंट ऐसे फ्लो करा रहा है, अब इस तरफ से मैंने देखा, इस तरफ से मैंने देखा करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने कह दिया नॉर्थ पोल। तुमने इस तरफ से कहा नहीं देखी, तुमने इस तरफ से कहा साउथ पोल, सही है। तो एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, ये खुद एक मैग्नेट है, क्या ये खुद मैग्नेट। अगर याद हो तो मैग्नेट की फील्ड लाइन कैसे की, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है नहीं, नॉर्थ से दूर भागती हुई साउथ में अंदर जाती हुई, नॉर्थ से दूर भागती हुई साउथ में अंदर, और अंदर उल्टा हो जाता है, अंदर कहां से क्या चल जाती है साउथ से नॉर्थ, है ना। कैसे चेक किया था, यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा था, इससे दूर भागा था, यहाँ नॉर्थ पोल रखा था, साउथ के पास भागा था, और अंदर साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, क्या इसमें भी ये चीज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, यहां पे हम स्क्रू रखेंगे, अब स्क्रू को रोटेट करेंगे करंट के डायरेक्शन में, स्क्रू ऐसे बाहर आ रहा है, ये रखा एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है मुझको, यहां से करंट कैसा दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मुझको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी। तो देखो मैग्नेट के अंदर ये मैग्नेट ही तो है, सर्कुलर वायर क्या बन चुका है मैग्नेटिक डाइपोल, ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ। नहीं समझ में आया तो बस इतना समझना है कि सर्कुलर वायर एक मैग्नेट है, जिधर से करंट क्लॉकवाइज उधर साउथ पोल, और जिधर से करंट एंटी क्लॉकवाइज उधर नॉर्थ पोल। वायर को एक तरफ से देखेंगे क्लॉकवाइज, दूसरी तरफ से झांके देखा तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर साउथ इधर नॉर्थ, इधर साउथ इधर नॉर्थ। और मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, साउथ से नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ। बनाने का तरीका, स्क्रू जिधर से भी देख रहे हो उधर स्क्रू रख के ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दो, अगर स्क्रू को घुमाओगे क्लॉकवाइज तो स्क्रू ऐसे आगे बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड ये, और एंटी क्लॉकवाइज तो स्क्रू पीछे आता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गई सर्कुलर वायर की मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमसे भाई साहब एक टॉपिक पूछा जाता है सोलेनोइड नाम का, किस नाम का, सोलेनोइड, कि ये सोलेनोइड क्या चीज है, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक हेलिकल वायर हो, हेलिकल मतलब स्प्रिंग, देखिए
स्प्रिंग जैसा वायर, हाँ उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग है कि नहीं है उससे फर्क एक्सपेरिमेंट को नहीं पड़ रहा, अभी अभी नहीं पड़ रहा, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड प्लास्टिक के कवर के ऊपर भी होती है, तो क्या एक सोलेनॉइड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगी? अगर सोलेनॉइड में क्या हो, करंट, ठीक है, असल में करंट कैरिंग हेलिकल कॉइल या हेलिकल वायर या कॉइन, वायर बोलो या कॉइल बोलो, कॉइल में तो थोड़ा टाइट है ना, वायर तो गिर जाएगा सर्कुलर बनाओगे तो। तो अगर करंट कैरिंग ऐसे ये, ठीक, अगर करंट कैरिंग हेलिकल कॉइल है उसका नाम हमने दे दिया सोलेनॉइड, यही है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, एक हेलिकल कॉइल है, एक स्प्रिंग कॉइल है जिसके अंदर करंट है, पूरे में करंट है। एक कंडीशन होती है कि सोलेनॉइड की लंबाई बहुत ज्यादा हो, है ना, लेंथ शुड बी वेरी लार्ज, लेंथ शुड बी वेरी लार्ज, ये पता नहीं क्यों एक कंडीशन होती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए होती है ऐसी कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर अच्छी बने, थोड़ा धीमे धीमे समझेंगे बात, खैर उसको छोड़ दिए। लेंथ बहुत बड़ी होनी चाहिए और इसका डायमीटर बहुत छोटा, डायमीटर वेरी स्मॉल, ठीक है, यहां बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी स्मॉल। ये सवाल भी आया हुआ है, एग्जाम्स में आता भी है कि ऐसे वायर जो लेंथ बहुत लंबा हो और एरिया बहुत छोटा हो, ऐसे वायर को क्या बोलते हैं, ऐसे वायर को सोलेनॉइड, साथ में हेलिकल शेप में हो उसमें करंट हो, अ करंट कैरिंग हेलिकल कॉइल इज कॉल्ड सोलेनॉइड, लेंथ शुड बी वेरी लार्ज एंड डायमीटर शुड बी वेरी स्मॉल। तो क्या सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बनती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। तो कैसी बनती है, डायरेक्शन बताइए साहब, सारी बातें बताइए। एक काम करते हैं, यहां पे एक सोलेनॉइड बनाते हैं, ये हमने एक सोलेनॉइड बनाया, ये करंट ऐसे, यहां से करंट अंदर जा रहा है, यहां पीछे से करंट बाहर की तरफ आ रहा, फिर यहां से अंदर जा रहा, फिर यहां से अंदर जा रहा, यहां पीछे से बाहर आया, फिर अंदर, ठीक, और यहां से करंट वापस, यहां से एक बैटरी लगा ली जिससे करंट सप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप देखो ये सोलेनॉइड है क्या बच्चों, क्या है सोलेनॉइड? अगर ध्यान से देखो तो ये सोलेनॉइड बहुत ढेर सारे सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप, क्यों, ये तो बात है, मैनी सर्कुलर लूप, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, मैनी सर्कुलर लूप। क्या हम मैनी सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं। एक काम करते हैं, इधर से सिचुएशन को देखते हैं, करंट यहां से बाहर आया, ऐसे अंदर गया, यहां से वापस नीचे, यानी इस जगह पे सर्कुलर लूप को जब मैंने देखा तो मुझे ये क्लॉकवाइज दिख रहा था, कैसे दिख रहा था, क्लॉकवाइज। तो मैंने कहा इधर कौन सा पोल होगा भाई, साउथ पोल, उस तरफ से झांकने की कोशिश की सिचुएशन को, यहां पीछे से अंदर से, यहां तार ऐसे आके अंदर चला गया, देखो पहला तार किधर गया, अंदर, मतलब तार ऐसे आया बाहर से अंदर, तो यहां पर करंट ऐसा जा रहा घड़ी के अगेंस्ट, एंटी क्लॉकवाइज, देखो तार अंदर गया, वाह ये पहली बार, यहां तार अंदर गया और ये, तो यहां पे करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस जगह पे मुझको डेफिनेटली दिखने वाला है नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ और ये साउथ, खूब ढेर सारे कॉइल है, ये एक लूप, इधर साउथ इधर नॉर्थ होगा, फिर इधर साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, तो खूब ढेर सारे हमने सर्कुलर कॉइल लिए, उनको चिपका चिपका के पास रख दिया, ठीक है, इस तरफ से करंट देखा तो दिखा क्लॉकवाइज, इस तरफ से करंट देखा तो दिखा एंटी क्लॉकवाइज, हमने कहा जिधर क्लॉक उधर साउथ, इधर एंटी क्लॉक उधर नॉर्थ, बन गया मैग्नेट, बड़ा सा मैग्नेट बन गया। बात आई मैग्नेटिक फील्ड की, कैसी मैग्नेटिक, कैसे देखा, यहां पे करंट देखो, इस जगह पे करंट ए ऐसे अंदर जा रहा, इस तरफ से नहीं देखना, उधर से बाहर तरफ से देखो, अंदर देखो कंफ्यूज हो जाओगे, बाहर से ए ऐसे गया एंटी क्लॉकवाइज, तो जिधर एंटी क्लॉकवाइज उधर नॉर्थ, और जहां पे क्लॉकवाइज, जिधर क्लॉकवाइज उधर साउथ। तो उन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड बताइए भाई, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? तो किसी ने हमको बता रखा है कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ होती है, पता है कि नहीं, बाहर क्या बताई गई है, नॉर्थ से साउथ, और अंदर साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ,
साउथ से नॉर्थ, बन गई मैग्नेटिक फील्ड, मस्त एकदम बढ़िया। क्या हम अपने आप बिना ये सब किए भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकते? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ करंट कैसा दिख रहा है? ऐसा, मतलब क्लॉकवाइज, इस तरफ से जो हम देख रहे हैं बाहर से, बाहर तरफ से जब हम देख रहे हैं तो हमें करंट कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज, एक ऐसे क्लॉकवाइज। देखो ये क्लॉकवाइज, यहाँ पे स्क्रू रखो और स्क्रू को घुमाओ क्लॉक के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड आ गई कि नहीं? स्क्रू रख के घुमा लेते हैं, स्क्रू रख के घुमाया, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे करंट ऐसे अंदर जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरफ से करंट दिखाई पड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ रख के स्क्रू घुमा लो एंटी क्लॉकवाइज, बाहर आ रहा है, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी। तो ये हो गई साउथ से नॉर्थ, ठीक। वैसे ही पता है मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। हमसे पूछा क्या आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ पोल, ये जो पोल बने इनको आप चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, करंट का डायरेक्शन पलट देंगे। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ, जैसे करंट डायरेक्शन रिवर्स करूंगा यहां करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, जैसे इसको उल्टा, यहां से करंट भेज दूं इधर से गया, देखो इधर करंट से वापस बाहर आने लगेगा, तो इधर करंट हो जाएगा क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज, चेंज हो गया। तो अगर हमसे कहे कि हाउ कैन यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट डायरेक्शन पलट दो। फिर हमसे पूछा ये बताइए इस मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कैसे करें, हाउ टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, कैसे बढ़ाए इस मैग्नेटिक फील्ड को? तो हमने उनको आइडिया दिए। हमारा पहला आइडिया था कि आप करंट बढ़ा दीजिए, करंट बढ़ाएंगे तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। दूसरा आइडिया हमने बड़ा अच्छा दिया कि आप मैग्नेट बढ़ा दीजिए। मैग्नेट क्या होता है? एक सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप क्या होता है? मैग्नेट, ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट, हर सर्कुलर लूप मैग्नेट। हमने कहा आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स, आप और टर्न्स डाल दीजिए, छोटा 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 छोटा, और टर्न्स डालने से क्या होगा? मैग्नेट बढ़ जाएंगे, एक टर्न एक मैग्नेट, मान लो 10 मैग्नेट था, घुमा के टर्न बढ़ा दिए। अब टर्न बढ़ाने के लिए और तार नहीं चाहिए, इसी के टर्न छोटे कर देंगे, बड़े बड़े टर्न थे इसको छोटा छोटा कर दिया, तो और नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, करंट बढ़ा दें, क्या बढ़ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें? करंट बढ़ा दें, तो मैग्नेटिक फील्ड। एक तीसरा बड़ा शानदार तरीका था मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का, वो था इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दें, प्लेस्ड इनसाइड इस पूरे अरेंजमेंट के अंदर, यहां पे एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दें। अब जब सॉफ्ट आयरन कोर पड़ जाएगा ना, तब इस वायर को इंसुलेटेड होना चाहिए, मतलब तब प्लास्टिक लगाना जरूरी है, वरना पूरे सॉफ्ट आयरन कोर में करंट दौड़ने लगेगा, प्लास्टिक नहीं लगाओगे तो आयरन से टच करेगा तार। इस केस में प्लास्टिक डालना जरूरी, मतलब पूरे में करंट आ जाएगा, ठीक है? करंट नहीं चाहिए हमको, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दें। अब ये क्या होता है सॉफ्ट आयरन कोर? सॉफ्ट आयरन कोर एक ऐसा सब्सटेंस है जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड देख के अपने अंदर भी बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं नेचर में, बहुत से होते हैं, जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड देख के खुद भी अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगते हैं। तो एक तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक अपने अंदर ये एक्स्ट्रा बना लेगा खुद की, ये तैयार था मैग्नेटिज्म के लिए, बस बाहर से कोई सपोर्ट कर दे इसको, इसको सपोर्ट मिल गया किसका? करंट का। अब मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगी। सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों लिया? मान लीजिए हमने करंट बंद किया, करंट बंद करने पे मैग्नेटिक फील्ड गायब, तो क्या सॉफ्ट आयरन कोर की मैग्नेटिक फील्ड भी गायब होगी? हाँ, सॉफ्ट आयरन कोर ऐसा सब्सटेंस है जो एक बार करंट बंद करो तो मैग्नेटिक फील्ड तुरंत गायब भी कर लेगा, बहुत ही आसानी से मैग्नेटाइज और बहुत ही आसानी से डीमैग्नेटाइज होता है, ज्यादा एनर्जी नहीं खर्च करवाता। जैसे मान लो कोई बंदा है अभी स्कूल के लिए रेडी नहीं है, आप तैयार होकर पहुंचोगे, चलो भाई स्कूल चलना है, तो आपको टाइम लगता है ना कि भाई उसको बंदे को तैयार करा रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं, अभी करा, बैग ले लूँ, अभी ये ले लूँ, अभी ये कर लूँ, बहुत टाइम लगाते हैं इसको, इनको लेने मत जाया करो। खैर ऐसे बच्चे होते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। सॉफ्ट आयरन कोर के केस में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो तैयार बैठा है, करंट आएगा तुरंत मैग्नेट बनेगा, और करंट बंद मैग्नेटिज्म खत्म। सो इट कैन बी, सॉफ्ट आयरन कोर कैन बी वेरी इजिली मैग्नेटाइज एंड वेरी इजिली डीमैग्नेटाइज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देता है, ऐसा सब्सटेंस है विच कैन इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, इसके पास खुद ऐसी एक प्रॉपर्टी है, अपने अंदर मैग्नेट के डाइपोल बना के रखा हुआ है इसने। आगे की बातें हैं, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, ये सब चीजें आगे, अभी नहीं। तो इसको सॉलेनॉइड बोलते हैं, और सॉलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का तरीका है करंट बढ़ा दो, या तो टर्न्स बढ़ा दो, या तो सॉफ्ट आयरन कोर अंदर डाल दो। जैसे ही सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर जाएगा, किसके अंदर? सॉलेनॉइड के साथ, मतलब सॉलेनॉइड क्या था? हेलिकल कॉइल जिसमें करंट हो, और उसके अंदर क्या चला गया?
सॉफ्ट आयरन कोर, जैसे ही ऐसा होगा बच्चों ये तुरंत बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक सॉफ्ट आयरन कोर में, सॉरी सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डाला, उसी डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसा मैग्नेट जो करंट के आने से काम करेगा। कैसे काम करेगा समझ में आ गया है? जिधर से बाहर से देखने में करंट क्लॉकवाइज, उधर से साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल। तो हम देख लेते हैं ये साउथ और नॉर्थ वाला, अगर भी आपको कंफ्यूजन है तो हम दो एग्जांपल और लेंगे और उससे 100% उस चीज को क्लियर करेंगे। जैसे यहां पे हम एक बना लेंगे सोलेनॉइड, सॉरी आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, और इसमें हम वायर लपेट देते हैं। ठीक है, इसमें हम वायर लपेट देते हैं। ठीक है, तो वायर हमने ऐसे लपेटना स्टार्ट किया। ठीक है, ऐसे, और ये पीछे से ऐसे। ठीक है, और ऐसे 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 किया, करंट ऐसा है और यहां से करंट नीचे आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे करंट का डायरेक्शन ये बाहर की तरफ। और पूछा किधर साउथ किधर नॉर्थ, तो इधर से देखा हमने करंट एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है सबको कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहां नॉर्थ पोल। यहां से करंट को देखा, यहां करंट देखिए बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे, मतलब इधर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को साउथ। तो ऐसे हम करके किसी में भी डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। मान लीजिए हम ऐसे बना लें, ये भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कैसा ही बना सकते हैं। यहां से लगाया पॉजिटिव, यहां से लगाया नेगेटिव, इसको जोड़ दिया, ये करंट। यहां अंदर जा रहा है, ऐसे ऐसे बाहर आके ऊपर से झांक के देखो, ऊपर से इसको नीचे दबा के ये देखो, ए ए ऐसे क्लॉकवाइज घड़ी की तरह घूमता। तो यहां साउथ पोल, नीचे से इसको ऊपर उठा के देखो, नीचे से ऊपर उठाया देखा, ए इधर नीचे अंदर ऐसे, यहां ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां नॉर्थ। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये था मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको ये बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है और डीसी मोटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।